दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई अभिनेता हैं जिन्होंने अपने डांस और दमदार अभिनय प्रदर्शन का जादू बॉलीवुड पर चला रखा है, जिसकी वजह से इन्होंने लाखों दर्शकों के दिलों में पहचान बना ली है। दर्शक इनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड में कई अभिनेता हैं, लेकिन जिस अभिनेता की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे मिथुन दा और गोविंदा है। आपको बता दें, दर्शक इनके अभिनय के साथ साथ इनके डांस के भी बड़े दीवाने हैं। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा में से कौन है सबसे अच्छे डांसर। अगर आप भी ये बात जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना, साथ ही इन दोनों के शानदार डांस के लिए लाइक तो कर दो। दोस्तों पहले बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की। इन्होंने 1976 में फिल्म मृगिया से बॉलीवुड में कदम रखा। इनकी इस फिल्म में इनकी एक्टिंग को देखकर इनको सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भी दिया गया। वहीं से मिथुन चक्रवर्ती का सफर चालू हो गया। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड को दे डाली। लेकिन जब मिथुन चक्रवर्ती ने डिस्को डांसर फिल्म दी, तब ये बॉलीवुड में अपनी खास जगह बना गए, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती को इस फिल्म ने बॉलीवुड में वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का रिकॉर्ड बना लिया था। इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती को एक बहुत बड़ी पहचान मिल गई, बस ऐसा मान लो कि उनको हर शख्स जानने लगा था। वहीं अगर बात करें गोविंदा की, तो गोविंदा ने फिल्म इल्जाम से 1986 में बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन इनको इस फिल्म से कोई पहचान नहीं मिली। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, ये अपने करियर को आगे बढ़ाने के संघर्ष में लगे रहे और आज गोविंदा इतनी बड़ी हस्ती हैं कि हमें इनके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़े सुपरस्टार कहलाए जाते हैं। गोविंदा ने अपने बॉलीवुड करियर में काफी सुपरहिट फिल्में हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी और ज्यादातर फिल्मों में अपने डांस को लेकर ही जाने गए। वहीं अगर बात करें मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा की फिल्मों की, तो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर ने मिथुन चक्रवर्ती ने अपने डांस का कमाल दिखाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। वहीं गोविंदा ने अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड अपने नाम नहीं किया, लेकिन अपने डांस को लेकर फिल्मों में गोविंदा छाए रहे और दोस्तों इस कॉम्पिटिशन में हमारे मिथुन दा जीत गए। तो दोस्तों आप सभी को मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा में किसकी फिल्में ज्यादा पसंद है, उस अभिनेता का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।